कि हम पहुंच चुके हैं मौलाना जफर अली खान की कब्र पर। बिल्कुल मेरे पीछे है, मेरे इस तरफ है एक मस्जिद जिसके ओपन होने के बाद साथ ही के ओपन होते मतलब सिर्फ नमाज के वक्त ये ओपन होता है मज़ार। और इस वक्त हम यहाँ से गुजर रहे थे डाक चौकी की तरफ और ये मज़ार भी ओपन मिल गया हमें। अब हम मज़ार की तरफ चलते हैं। हाँ जी हाँ जी, ये देखो आगे देखना अभी वो तेरे साइड फोटो लेके ना वो साथ चिपका उस फोटो लेके जो वापसी वापसी ये तो किताबें मिलती हैं तो यार ताला उधर नहीं ताला कभी खुला उनका घर है उनका घर नहीं है नहीं नहीं ये बैक साइड से आएगा ना घर। हाँ जी मेरे बिल्कुल पीछे है मौलाना जफर अली खान का मज़ार और उनके साथ उनकी बेगम की कब्र है। मौलाना जफर अली खान एक पाकिस्तानी पोइट थे, ट्रांसलेटर थे, जिन्होंने उर्दू से इंग्लिश में तर्जमा किया था और उसके बाद ये एक सहाफ़ी थे। इनको बाबा सहाफ़त भी कहा जाता है। इन्होंने पाकिस्तानी पाकिस्तान की तहरीक में मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान में बहुत अहम किरदार अदा किया था। मौलाना जफर अली खान 1873 में पैदा हुए और इनकी वफ़ात 27 नवंबर 1956 में हुई थी पाकिस्तान बनने के बाद। पाकिस्तान बनने के बाद भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया है साहब। आपने अंग्रेज़ों को हमेशा ललकारा, इसकी वजह से आपको कई बार जेल भी हुई है, आपने जेल में भी रहे हैं। आप 3 साल जेल में रहे हैं, आप तहरीक पाकिस्तान के साथ गर्म रुकन थे। आप कायदे आज़म से मिले अपने दौर में, इलामा इकबाल से मिले और बहुत बहुत अजीम हस्तियों से मिले। इलामा इकबाल और कायदे आज़म ने आपके बारे में कायदे आज़म आपके बारे में कहते हैं कायदे आज़म ने आपके बारे में फरमाया कि मुझे अपने सूबे में मौलाना जफर अली खान जैसे 2 से 3 आदमी दे दें, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मुसलमानों को शिकस्त नहीं दे सकता। आए आपको इनके कब्र अंदर से दिखाते हैं और इनके साथ आपको भी हमने अंदर से दिखाया है। ये हम मज़ार के बिल्कुल पीछे आ गए हैं। ये मौलाना जफर अली खान का मज़ार के बैक वाली साइड है और इधर काफ़ी ज़्यादा ना जवारी उम्र साइड पे उनके अशार या उन्होंने जो शायरी की हुई थी वो दीवार पे लगी हुई है। वो मैं आपको सब नहीं दिखा सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा लगी हुई है, इतना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मौलाना जफर अली खान का मज़ार कलमाबाद सियालकोट रोड पर वज़ीराबाद में है। मेरे बिल्कुल इस तरफ करके है मौलाना जफर अली खान का घर जिसको आप अभी हम दिखाते हैं। अंदर तो फिलहाल नहीं जा सकते लेकिन आपको फिर भी बाहर से इसको दिखा देंगे साइड। अभी अब हमारे यहाँ मौलाना जफर अली खान कब्र के बारे में उनकी रहाइश का है, हम उनकी रहाइश के अंदर नहीं जा सकते क्योंकि अब इधर भी रहाइश है और जिसको सिर्फ आप बाहर से आप देख सकते हैं। तो बाहर से आपको दिखा देते हैं अगर ये आपको दिखा रहे हैं मौलाना जफर अली खान के घर के बाहर। ये दरवाजे को सपोर्ट दी हुई है, ये आपको पीछे घर भी नज़र आ रहा है और ये साथ में मस्जिद। ये छोटा सा ना उनके घर के बाहर एक छोटा सा पार्क वगैरह बनाया हुआ है पहले का ही है। उनकी घर की जैसे साइड पे चार दीवारी हुई है उसके अंदर अंदर ही बानी बाबा ए सहाफ़त मौलाना जफर अली खान। ये आप नज़र आ रहा मस्जिद बिल्कुल पीछे मस्जिद है इस साइड पर ना बगीचे वाली साइड पर है।
दारुल ये घर। अब आपको छत से जाकर एक दिखाते हैं, ये सीढ़ी जो आपको मिसार वाली साइड से नज़र आ रही थी, अब आप छत से जाकर दिखाते हैं। ये आपको एक दो तीन और एक चार, चार टर्न्स हैं। मेरे ख्याल से पुराने पुराने वक्तों में यही होता होगा ना, सीढ़ियाँ बाहर की तरफ, लेकिन था घर के अंदर ही सब कुछ, रहाइश का यार ये चार दीवारी के अंदर अंदर गया सब कुछ, तो अनमोल सेव ही था। और उस वक्त तो कौन सा इतने चोरों का ज़माना चल रहा था। ये है ना, ऊपर एक कमरा साइड पे दिया हुआ है, और ये एक जानवर परिंदा परिंदे वगैरह रखे हुए हैं। और ये देखें ऊपर दो और दरवाजे आ गए, कमरे आ गया, लॉक किए हैं जो उनसे इन्होंने। उसके बाद ये देखिए आ गया एक और छोटा सा रूम, और बिल्कुल इसकी छत पर ये देखो, बिल्कुल इसके ऊपर ये एक लालटेन में हेल्थ रोशनी के लिए रखा होगा सीढ़ियों में। ये आपको नज़र आ रहा है मज़ार भी है, साथ में पीछे मस्जिद भी है। ये इनकी छत और पीछे आपको दरख्त वगैरह भी नज़र आ रहे हैं, काफ़ी अच्छा लगता है ये दरख्त वगैरह देखना। पीछे मस्जिद भी है, और ये देखना कितना प्यारा लग रहा है, परिंदे उड़ के जा रहे हैं और दरख्त, हरियाली और इस तरह की चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये एक बैठने की देखने जगह दी गई, आई थिंक ये बैठने के लिए बनाया हुआ है इन्होंने। उस वक्त ये घर में आपको ये ब्लैकिश नज़र आ रहा होगा ना, ये हो जाता है ना जब पुराने चीज़ें हो जाए तो लोहे के जंग लग जाते हैं, इस तरह ये हुआ हुआ ना, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 70 ईयर्स प्लस हो गया इसको, 70 ईयर्स पाकिस्तान बनने को हो गया, और ये इनकी पैदाइश यहाँ ही थी, तो इस लिहाज से ये तो काफ़ी ज़्यादा पुराना होता है, पुराना पुराना है। ये ज़मीन आप देख सकते हैं, वही जैसे पहले वक्तों में जैसा चलती थी, वही फर्ज वही सब कुछ वैसा ही है। लेकिन फिर भी ये देखे ना, अब आपको मैं थोड़ा सा ना ऊपर जाकर दिखाता हूँ, ये देखिए थोड़ा सा ऊपर जाकर दिखाते हैं, थोड़ा सा ना सीढ़ी में थोड़ी सी टूटी हुई है, ये देखें पेंट तो यार मेरे ख्याल से दोबारा हुआ है, क्योंकि मैं भी शायद दोबारा किया हो उनके होती, क्योंकि 50s की बात है ना, तो उनकी वफ़ात तो उस वक्त तो महल पेंट हुआ होगा। ये अब आपको ना एक मज़े की चीज़ दिखाऊंगा, ये जो बार बार ना ये मज़ार दिखाया, ये रही जफ़र एकेडमी करमाबाद में, ये भी काफ़ी मशहूर एकेडमी है, ये वज़ीराबाद में बहुत ज़्यादा मशहूर एकेडमी है ये वाली। ये बिल्कुल ये आपको इनके घर के नीचे साइड पर नज़र आ रहा होगा ना, ये इनके घर की सारा हिस्सा है, इसमें ये एकेडमी बनाई गई है, नीचे ये आप फर्श देख सकते हैं। मतलब मैंने काफ़ी जगह पर देखा है ये फर्श वगैरह इस कलर में जो होता है, मतलब काफ़ी पुरानी पुरानी जगह पर जाइए ना तो इस जगह मिल जाता है।